ए पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पूरे जो कोर्स है हमारा उसमें आप कौन कौन सी चीज सीखोगे, आप में वैल्यू एडिशन होगी, राइट। इसका वीडियो ऑलरेडी है, तो अगर आपको लिखना नहीं है तो चलेगा, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर दिस वीडियो विथ यू बाय टुमारो। ओके, सो आप जो पहले लेक्चर में सीखोगे, राइट, जो पहले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा वो ये सिखाने वाला हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास नया आता है डिजिटल मार्केटिंग का या आप जो भी है, तो आपको कैसे उसको अप्रोच करना है और कैसे ये चीज आप आपके बिजनेस के लिए भी कर सकते हो। ये डिजिटल मार्केटिंग एक एग्जाम्पल है, और आप कैसे उसके पोटेंशियल को जान सकते हो, राइट। वो हमारा पहला लेक्चर है। जो हमारे सारे लेक्चर्स है वो इसी तरह स्प्रेडशीट में बने हुए हैं, राइट, गूगल शीट्स में बने हुए हैं, जिसका मैं आपको जैसे ही आप एनरोल होते हो आई एम गोइंग टू गिव यू दी एक्सेस। इसमें प्रोबेबली 20 से ज्यादा हर एक चीज की प्रोसेस मैंने बनाकर रखी है मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार, राइट। तो सबसे पहले लेक्चर में आपको ये एक क्वेश्चनर भेजनी है क्लाइंट को विद लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये जानने के लिए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसका टारगेटेड रीजन क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उसका बजट कितना है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे करियर में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो आपकी नीचे की डाउन द लाइन वाली टीम है वो अप्रोच करती है इंडिया के ऑडियंस को और उसको टारगेट करना होता है यूएस के ऑडियंस। इतना कम्युनिकेशन गैप मैंने देखा है। ये कम्युनिकेशन गैप ना हो इसलिए सबसे पहले ये डिटेल्स क्लाइंट से ले लेंगे, और ये डिटेल्स से आपको वो भी पता लगेगा कि क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 40 से ज्यादा लीड आती है एवरी मंथ, लेकिन क्वेश्चनर फिल करके सिर्फ 10 क्लाइंट ही देते हैं, वहां से ही फिल्टर हो जाते हैं हमारी एफर्ट। जो सीरियस नहीं है वो बोलेगा, आपको फोन कर देगा, उसके दिमाग में आएगा कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग करा हुआ है, पर जो जब हम लोग उसको क्वेश्चनर फिल करने के लिए देते हैं तो वो लोग फिल करके नहीं देते, वहां पर हमको उनका इंटरेस्ट पता चल जाता है, राइट, कि भाई इस पर हमें एफर्ट लगानी है कि नहीं लगानी है। क्योंकि वो सीरियस नहीं है तो हमारी एफर्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, राइट। तो ये एक फिल्टर है जिससे आप लीड की पोटेंशियलिटी को चेक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट समझ ही नहीं पाता कि व्हाट द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, वो केस में आप लोग उसको फोन करके भी वो डिटेल्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि भी ये दे दी तो फिर हम शांति से बैठ गए, राइट, करेक्ट। तो ये चीज आप लोग सीखोगे कि ये क्वेश्चनर कैसे भेजनी है, क्लाइंट के माइंडसेट को कैसे रीड करना है, उसको कितना बजट देना है, ये सारी चीज सीखोगे आप पहले लेक्चर में, राइट। उसके बाद है कि अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या आपके क्लाइंट के लिए बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग कैसे लेना है, क्योंकि डोमेन नेम भी कई बार ब्रांडिंग एंड रैंकिंग के मद्देनजर से असर करता है और आपका जो होस्टिंग है वो भी उस पर इम्पेक्ट करता है। तो डोमेन नेम और होस्टिंग लेते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और किस तरीके से लेना है, वो होगा आपका दूसरा लेक्चर। यहाँ पर है दूसरा लेक्चर, हाउ टू चूज डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्लान, ये आपका दूसरा लेक्चर है। जो तीसरा लेक्चर है वो है गूगल फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल्स। जो लोग ये फील्ड में काम करते हैं एसईओ के फील्ड में, उसको पता है कि जैसे शेयर मार्केट अप डाउन होता है वैसे कई बार आपके रैंकिंग भी अप डाउन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने अहमदाबाद से मैं पहले पर हूँ तो 5 साल में पहले पर ही रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। कल भी नहीं हो सकता, मैं कल भी पहली पोजीशन पर ना हूँ, ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे जो एसईओ की फील्ड में रहते हैं बंदे जो काम करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि रैंकिंग को कैसे मेंटेन करें, जो है उसको कैसे मेंटेन करें, राइट। तो इसका तोड़ है मेरे पास। जब लैरी पेज एंड सर्जी बिन को फाउंडर ऑफ द गूगल, राइट,
राइट, उन्होंने गैरेज में अपनी कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की तो उन्होंने उस वक्त मानी अप्रोक्सीमेटली 1996 की मैं बात कर रहा हूँ, 1996, तब उन्होंने 10 रूल्स बनाए थे कि ये 10 चीज हम लोग प्रूव करना चाहते हैं या ये 10 चीज हम लाना चाहते हैं। वो 10 चीज अगर आपने इम्बाइब कर लिए अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी थॉट प्रोसेस में, तो कभी भी आपके रैंकिंग डाउन नहीं हो सकते, कोई भी रैंकिंग एल्गोरिथम अपडेट आ जाए। तो वो 10 चीज उन्होंने क्या विजुअलाइज की थी और कैसे आपको एसईओ में उसको इंप्लीमेंट करना है, वो चीज आप सीखोगे तीसरे लेक्चर में, राइट। वो यहाँ पर आपको तीसरा लेक्चर है गूगल फिलोसॉफी, और ये मेरी बनाई नहीं है, सरजी बीन और लैरी पेज ने, ये गूगल की वेबसाइट पर भी है, 10 थिंग्स वी नो टू बी ट्रू, राइट। तो ये जो 10 चीज है वो उन्होंने अपनी जब उनकी 1996 में लिखी थी तब थी, लेकिन वो अभी भी रिलेवेंट है। आप सोचो कि उनका सोचने का होरिजोन कितना बड़ा होगा कि वो अभी भी 2018 में रिलेवेंट है, और उसको कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है ये नहीं लिखा है यहाँ पर, अफकोर्स वो नहीं लिखा है, वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चीज को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे टेक केयर करना है, दैट विल बी अवर थर्ड लेक्चर। ये सीखोगे आप तीसरे लेक्चर में, उसके बाद है ये पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है। तीसरा लेक्चर है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला रहेगा कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थिंग इन एसईओ, राइट। तो वो कीवर्ड रिसर्च सपोज हम लोग ये ढूंढते हैं कि वेब डिजाइनर इन अहमदाबाद अथवा तो वेब डेवलपमेंट कंपनी इन अहमदाबाद, उसके लिए लोग कौन कौन से वर्ड से ढूंढते हैं। ये एक टूल है जिससे आपको ये पता लगता है कि आपकी जो सर्विस है या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लिए एवरी मंथ आपके रीजन में कितने लोग ढूंढते हैं ये कीवर्ड से, राइट। सपोज वेब डिजाइनर इन अहमदाबाद या वेब डेवलपमेंट कंपनी इन अहमदाबाद, राइट। सपोज हम लोग लेते हैं गुजरात या इंडिया, क्योंकि हमने अहमदाबाद ऑलरेडी लिखा है तो इंडिया लोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं लिया होता तो वी हैव टू टेक अहमदाबाद ओनली और गेट आइडिया। तो यहां से आपको पता लगेगा कि वेब डेवलपमेंट कंपनी अहमदाबाद से 880 पीपल आर सर्चिंग, तो ये पोटेंशियल कीवर्ड। अगर ये कीवर्ड से आप टॉप पर आ गए तो आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो, इतना पोटेंशियल है इसमें, राइट। क्योंकि जब कोई बंदा ये कीवर्ड से सर्च करेगा और अगर आपकी टॉप में है तो इतने लोग, इतने से चलो 10% भी लोग यानी 88 पीपल भी अगर आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं तो उसमें से अगर 10% मिल गए यानी 8 प्रोजेक्ट आपको मिल गए, एक प्रोजेक्ट की एवरेज वैल्यू लिख लो आप 30,000 रुपये, तो 2,50,000 रुपये इससे आप आसानी से बिजनेस ले सकते हो, दिस इज द पोटेंशियल। लेकिन ये पोटेंशियल कैसे आप डिराइव कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस। कब इसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो इसकी डिमांड नॉर्मली जुलाई महीने में सबसे ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू एनी अदर मंथ, राइट। तो ये बार चार्ट से आपको ये पता लग जाता है कौन से डिवाइस से लोग ढूंढते हैं। सो कंप्यूटर से 62% पीपल आर सर्चिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड 37 पीपल आर सर्चिंग फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस। तो ये जो सारी चीजें उसको आप एनालाइज करके आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हो,
आपकी वेबसाइट मोबाइल में जल्दी खुले, ऐसे पेज लोडिंग टाइम कम कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें, ये आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। और ऐसे कितने कीवर्ड है जिससे लोग सर्च करते हैं, उसका भी आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। जिससे आप आपकी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आपका आर्टिकल्स उस हिसाब से लिख सकते हो, यानी पूरी मार्केटिंग की जो एसईओ की स्ट्रेटेजी है वो ये डेटाबेस के हिसाब से, ये डेटा के हिसाब से आप जनरेट कर सकते हो। और ये गूगल ने दिया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो बना रहा है उसने ये डेटा दिया है, थर्ड पार्टी टूल का नहीं है ये। क्लियर? ये आप सीखोगे तीसरे लेक्चर में, चौथे लेक्चर में। उसके बाद रहता है पेज ऑन पेज। पेज ऑन पेज मानी आपकी वेबसाइट को कैसे बनाना है ताकि वो यूजर एंड गूगल दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। यूजर के लिए माना यूजर को जो चाहिए वो तुरंत मिलना चाहिए, और गूगल से माना गूगल को जो चाहिए उसको तुरंत मिलना चाहिए, राइट। जैसे कि अगर यहां पर आप सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, एसईओ हमने देखा था, अभी ये देख लेते हैं। राइट, तो आपको यहां पर मेरी वेबसाइट मिलेगी। जो सबसे पहली चीज इन्होंने दिखाई वो ये है टाइटल। ये टाइटल है, जो क्लिकेबल लिंक है वो टाइटल है, जिसको गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है जब आप कोई भी चीज का एसईओ करते हो। तब अगर आपका टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है तो गूगल कभी भी आपको रैंकिंग में प्रायोरिटी नहीं देगा। यानी अगर आपके पास कोई वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने के लिए आई है और आपको थोड़ा रैंकिंग इंप्रूवमेंट करके देना है, ऐसा दिखाना है कि भी मुझे आता है, तो यू हैव टू डू ओनली टू थिंग्स। वो कीवर्ड रिसर्च देख लेना है कि कौन से कीवर्ड से ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। नंबर टू, वो कीवर्ड की जो कीवर्ड में यूजर का इंटेंशन जो लेना है, वो आपकी सर्विस आपकी वेबसाइट दे रही है कि नहीं दे रही है, और उसको टाइटल में मीनिंगफुल वे से, स्पैम करके नहीं, मीनिंगफुल वे से ऐड कर देना, तो तुरंत आपको रैंकिंग इंप्रूवमेंट कंफर्म मिलेगा, कंफर्म। उसके बाद आता है यूआरएल, जो नीचे आपको दिखा ट्रेनिंग इन एसईओ डॉट इन स्लैश एसईओ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग। वो यूआरएल को उस तरीके से बनाना है कि जिससे आपका जो कीवर्ड है वो कंटेन हो जाए, पूरा नहीं होगा लेकिन पार्शियली कंटेन हो जाए, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। वो यहां पर आ गया डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग, राइट। तो इससे भी आपको कंफर्म रैंकिंग इंप्रूवमेंट में फायदा होगा। तीसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। वो कैसे ऐड करना है वो हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे। इससे उसमें भी आपको वही ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड आना चाहिए और वो सामने वाले को इंस्पायर करे आपको कांटेक्ट करने के लिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, यूजर ये देखेगा तो उसको ये पता लगेगा कि भाई वी आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस। उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद वो डिसीजन मेक करेगा कि यहां पर क्लिक करनी है कि नहीं करनी। तो वो जो क्लिक करने का जो पैरामीटर है वो आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पता लगेगा, राइट। जैसे कि एक एड थी, वो एड में एक बैगर्स था, वो बैग कर रहा था और सब लोग आते जाते रहते थे, और उसका कन्वर्जन रेट बहुत कम था, यानी बहुत लोग पैसे देते थे उसको। उसके बाद एक लेडी आई और उसने एक सेंटेंस लिखा कि भाई ये इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, आप लोग देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। तो उसका कन्वर्जन रेट 5 टाइम्स हो गया, राइट। यानी बहुत सारे लोगों ने उसको पैसे दे दिए। तो ये जो जो सेंटेंस लिखा ना, ये वो आपका डिस्क्रिप्शन, राइट। आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हो उससे आपको सीटीआर आपका बढ़ता है। सीटीआर मानी कितने लोग आपकी वो टाइटल पर क्लिक करते हैं आउट ऑफ 100। ये तीसरी बड़ी चीज है जो अफेक्ट करेगी आपके रैंकिंग को। तो वो कैसे करनी है वो आप सीखोगे पेज ऑन पेज, राइट। उसके बाद है इमेज ऑल्टर टाइटल, एडवांस सर्च इन गूगल, राइट। तो एडवांस सर्च इज ऑल्सो वेरी पावरफुल थिंग। आपको नॉर्मली पता होगा कि भाई ये तरीके से आपको सर्च करना है, लेकिन इसके अलावा गूगल एडवांस सर्च से आप 50 स्मार्ट टेक्निक से सर्च कर सकते हो, जिससे आप जो काम 1 घंटे में कर सकते हो वो काम ये चीज से 10 मिनट में हो सकता है।
या 1 मिनट में हो सकता है, उसकी इतनी पोटेंशियल है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज यू शुड नो द सर्च टेक्निक्स। सर्च टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये वेब डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं और उनको ये देखना है कि वेब डिजाइनिंग का प्रपोजल लोग कैसे भेजते हैं, सपोज। तो नॉर्मली वो लोग कंपनी को देखेंगे तो कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद वैसे तो लिखा नहीं होगा क्योंकि वो कॉम्पिटिटर स्पाई कर लेगा तो कैसे उसको फायदा होगा, तो दैट विल नॉट बी इजिली अवेलेबल। तो ऐसी वो 50 कंपनियों को देखेंगे, उसमें से एक या दो कंपनी में मिलेगा कि ये तरीके से आप वो प्रपोजल भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्च टेक्निक पता है तो जो 50 वेबसाइट करने के बाद, 3 घंटे स्पेंड करने के बाद उनको जो मिला वो कुछ ही सेकंड में यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे? वेब डेवलपमेंट प्रपोजल, राइट? सेटिंग, सर्च सेटिंग, यहां पर आपको, सॉरी, एडवांस सर्च, और यहां पर आपको लिख देना है पीडीएफ, क्योंकि नॉर्मली जो आपका प्रपोजल होता है वो नॉर्मली पीडीएफ में होता है। और एडवांस सर्च हमें कितने मिले प्रपोजल्स? एकम, दशक, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 48 लाख प्रपोजल हमें मिल गए। कितनी सेकंड में? 0.69 सेकंड। यानी जो चीज आप 3 घंटे में नहीं ढूंढ सके वो आपको 0.69 सेकंड में राइट ये लोग कैसा प्रपोजल भेजते हैं? तो इस तरीके का प्रपोजल भेजते हैं वेब डेवलपमेंट का। ये इस तरीके का प्रपोजल भेजते हैं, ये कंपनी इस तरीके का प्रपोजल भेजती है, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ सर्च टेक्निक यू कैन मेक योर जॉब वेरी इजी एंड फास्ट, राइट? तो ऐसी हमारे पास 50 चीजें हैं, सर्च टेक्निक्स है, जिससे आप आपका काम, कॉम्पिटिटर स्पाई करना है या तो डेटा निकालना है गूगल से, तो यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट वेरी इजीली, राइट? उसके बाद है टूल्स एंड इट यूजेस। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक वेबसाइट है, सपोज मुझे इसमें कोई चेंज करवाना है, सपोज मुझे ये नंबर चेंज करवाना है, तो एक टूल है ऑसम स्क्रीनशॉट, जिससे आप आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, कैप्चर कर लिया, उसको यहां पर लिख दिया, रिजोल्यूशन की वजह से ये पूरा अच्छी तरीके से नहीं आया। यहां पर मैंने लिख दिया चेंज कॉन्टैक्ट नंबर, राइट? और यहां पर इसको हाईलाइट कर दिया, डन कर दिया। आप इसको ड्राइव पर भी सेव करते हो, कॉपी इमेज कर दिया, कंपोज किया और सीधा यहां पर पेस्ट कर दिया। यानी जो काम आप आधे घंटे में करने वाले थे वो काम आपने कर दिया 1 मिनट से भी कम सेकंड, 1 मिनट से भी कम टाइम। तो ऐसे 50-80 टूल्स हैं जो पूरी ट्रेनिंग में हम आपको सिखाएंगे, राइट? सपोज आपको गुजराती में टाइप करना है, सामने वाला बंदा समझता ही नहीं है इंग्लिश को, तो आप यहाँ पर गुजराती में भी टाइप कर सकते हो, राइट? क्लियर? तो ये राइट, अगर ये जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं उसको पता लग जाए तो उनका काम बंद हो जाएगा, राइट? इसकी इतनी इफेक्टिवनेस है क्योंकि ये काम बहुत ही आसान है, इसको कुछ वो सरल बरल कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, राइट? एस यू राइट द, जैसे आप टाइप करते हो व्हाट्सएप या उसमें, इसी तरीके से आप इसमें भी लिख सकते हो। तो ऐसी 50 हमारे पास अलग अलग टूल्स है, वो सारे फ्री है, अफकोर्स वो सारे फ्री है, जिससे आप आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हो, राइट? यू कैन मेक योर जॉब वेरी इजी, राइट? वो आप सीखोगे तीसरे लेक्चर में। उसके बाद है साइट ऑन पेज। तो ये भी एक रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है या एक टॉपिक्स है, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि आपके पेज का पेज लोडिंग टाइम कैसे कम करना है, राइट?
कैसे पेज को फास्ट लोड करना है, क्योंकि लेस द टाइम हायर द कन्वर्जन रेट एंड हायर द रैंकिंग। अभी किसी के पास टाइम नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट पहले पेज पर भी होगी या पहली भी होगी लेकिन वो देर से खुली तो यूजर दूसरे टैब पर चला जाएगा, और अगर वहां से सर्विस मिली तो इवन दो यू आर एट द फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट नंबर यू विल नॉट गेट द लीड, राइट। तो उसको कैसे बढ़ाना है, तो ये एक टूल है, राइट। उसको कैसे उसका उसके स्कोर को बढ़ाना है, ये मैंने जैसे मैंने बताया कि हम कुछ भी करते हैं तो पहले प्रूव करते हैं उसके बाद आपको सिखाते हैं, राइट। तो इसका स्कोर है मोबाइल में है 93, डेस्कटॉप में है 96, राइट। यानी अगर आपका 80 प्लस है तो ये स्कोर को कैसे बढ़ाना है, मोर द स्कोर लोअर द पेज लोडिंग टाइम, राइट। पेज लोडिंग टाइम मानी कितनी टाइम में आपकी वेबसाइट ब्राउजर में ओपन होती है, इट इज द पेज लोडिंग टाइम, सिंपल, राइट। तो वो कैसे 80 प्लस करना है, जैसे ही आपने 80 प्लस किया, मैं जो पहले पोजीशन पर हूं ये उसके ये सारे रीजन है उसके, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, व्हाई आई एम एट फर्स्ट पोजीशन, राइट। तो ये सारे रीजन है उसके, तो वो आपको कैसे आपकी वेबसाइट जो है उसके लिए पेज लोडिंग टाइम को कम करना है, राइट। उसके बाद है लिंक बिल्डिंग, तो आर्टिकल कैसे लिखना है, कौन से टॉपिक पर लिखना है, कैसे कीवर्ड को ऐड करवाना है, कौन से सोर्स पर लाइव करवाने हैं, ये सारी चीज आप सीखोगे लिंक बिल्डिंग के लिए पूरे टॉपिक्स में, राइट। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, राइट। ये इसलिए फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये कम एफर्ट से ज्यादा प्रूफ देता है, राइट। वो पूरे दिन में जो बैठा होगा बैगर और जितने मिले होंगे उतने वो एक घंटे में वो बोर्ड लगाने से मिले, राइट। तो ये वैसे ही चीज है। सपोज मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ये जो पेज है मेरा ट्रेनिंग इन एसईओ का, जब मैंने नई ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था तो मेरी वेबसाइट पर ये चीज नहीं थी, डाउनलोड सिलेबस एंड रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर। तो मेरा कन्वर्जन रेट था 2%, यानी 100 लोग आते थे मेरी वेबसाइट पर और 2 लोग मुझे लीड देकर जाते, राइट, ऑन एन एवरेज, राइट। तो 2 लोग मुझे लीड देकर जाते थे, मैंने ये 2 स्मार्ट चेंजेस किए, अभी मेरा कन्वर्जन रेट 5% है, यानी 100 लोग आते हैं और मुझे ऑन एन एवरेज 5 लोग कॉन्टेक्ट डिटेल्स देकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री वर्ड हमेशा लोगों को एनकरेज करता है आपको कॉन्टेक्ट करने, कहीं पर भी देख लो, जियो पहले फ्री था, उबर पहले फ्री था, ओला पहले फ्री था, जोमेटो भी 50% देता था शायद, 50 या 60% देता था, उबर भी देता है 50-60%, राइट। तो ये जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है ये हमेशा सामने वाले के दिमाग में बैठ जाता है, राइट। द पॉइंट इज ओनली दैट कि इससे सामने वाला इंस्पायर होता है और फिर आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है, राइट। लास्ट बेंच समय की कर ही रहा जो आप लोग क्या कर रहे हो, अगर सी अगर करना है तो प्लीज यहां पर फोकस करो, राइट। तो ये भी एक फायदा है क्लासरूम की ट्रेनिंग का, राइट। हर एक पर मेरा अटेंशन रहता है, ये नॉर्मली कंप्यूटर पर नहीं रहता है, ओके। तो ये कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की ऐसी 50 चीज है, जो 50 चीज मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है, कि ये चीज अगर इस पर रखते हो तो आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिलता है, यानी लीड ज्यादा मिलती है। और किसी भी बिजनेस के लिए लीड एक ऑक्सीजन है, जब आप एंट्री प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करोगे तो यू विल रियलाइज कि एक लीड जो होती है वो ज्यादा मिले तो वो बिजनेस पर्सन के लिए कितना काम की होती है, राइट। इट विल वर्क लाइक एन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की तरह काम करती है। तो ये लीड को कैसे बढ़ाना है या ई कॉमर्स के सेल को कैसे बढ़ाना है, ऐसी 50 टेक्निक हमने यहाँ पर रखी है एसईओ ट्रेनिंग के मटीरियल में, कन्वर्जन राइट, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस पेज। तो ऐसी हमने जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हमको मालूम हुआ है वैसी 50 चीज हमने यहाँ पर बनाकर रखी है। एग्री कि ये 50-50 की चीज आपके हर एक प्रोजेक्ट में वो काम की नहीं है, लेकिन 50 में से 25 चीज ऐसी होगी कंफर्म कि वो अगर आपकी वेबसाइट पर आप इंप्लीमेंट करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट मोर कन्वर्जन, डेफिनेटली, राइट। तो वो चीज आप सीखोगे
कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में। उसके बाद है लोकल बिजनेस प्रमोशन, गोपी एंटरप्राइज, राइट। आप सबको पता है कि गूगल तो उसमें टॉप में कैसे आना है, राइट। अगर आप कुछ भी लोकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वेदर इट इज टिफिन सर्विस, मैदी, मोबाइल, जो लोकल शॉप है, रेस्टोरेंट है, डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, वो सारी लोकल सर्विस है, वो सभी में ये लोकल बिजनेस विल वर्क। तो उसमें आपकी सर्विस अगर आप दे रहे हो, अगर आपके सामने वाला भी कोई दे रहा है, आपकी जानकारी में दे रहा है, तो भी आप उसको हेल्प कर सकते हो। जैसे मैंने वो एसी वाले को हेल्प की थी उस तरीके से, कल सलून वाले को हेल्प की है, राइट। तो उसी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो किसी को भी एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, और उससे आपका तो नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। और आपको भी कुछ शायद उसका पहले आ जाए तो डिस्काउंट भी देना वो चालू कर दे, राइट। तो ये आप कर सकते, ये आप सीखोगे लोकल बिजनेस सबमिशन में। उसके बाद है गूगल एनालिटिक्स, दिस इज अगेन माय फेवरेट टॉपिक, राइट। क्योंकि ये भी कम एफर्ट में आपको ज्यादा प्रूफ देता है, राइट। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, राइट। सपोज मैं ये लास्ट 3 मंथ्स का ले लेता हूं, सपोज अभी मुझे जानना है कि मुझे कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा लीड मिलती है, ये अवर्स है, 0 मानी रात के 12 बजे, राइट। मुझे सुबह के 10 बजे, 11 बजे, 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मुझे लीड मिलती है, एक्सेप्ट द 9 o'clock, क्योंकि वो शायद डिनर का टाइम है या प्राइम सीरियल का टाइम है, इसलिए तो इसलिए ये कम मिलती है। वरना और सबसे हाईएस्ट कब मिलती है, सुबह के 10 बजे। इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ऐसा, अगर मुझे फेसबुक पर मेरी कैंपेन रन करनी है तो मैं 10 बजे ही दिखे या 10 बजे से स्टार्ट हो और रात को 11 बजे ही दिखे, ऐसा सेटिंग कर सकता हूँ। अगर गूगल में मुझे ऐड दिखानी है तो मैं ऐसा सेटिंग कर सकता हूँ कि 10 बजे अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है तो मेरी जो भीड़ है उसमें भीड़ रहती है कि आपको कितना पे करना है, वो भीड़ में मेरी 20% बढ़ा दूंगा सुबह के 10 बजे। क्यों? अगर उस टाइम कोई बंदा क्लिक करता है तो मेरी ईयर टॉप में दिखे, और डेटा है मेरे पास कि अगर वो टाइम पर अगर देखेगा मेरी ईयर तो कॉल करने की प्रोबेबिलिटी या कांटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू एनी अदर टाइम हाईएस्ट है, तो आरओआई मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये चीज आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा। कौन से दिन आपको सबसे ज्यादा लीड मिलती है? 0 मानी संडे, 6 मानी सैटरडे। तो मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को एक ज्यादा मिलती है और सैटरडे को ज्यादा मिलती है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरी एड सिर्फ वेनसडे और सैटरडे को ही दिखे। दैट सेटिंग यू कैन ऑल्सो डू, राइट। अगर आपको ये चाहिए कि भाई नहीं, मुझे तो मेरा बजट बहुत कम है, मुझे जब यूजर की कॉन्टेक्ट करने की हाइएस्ट प्रॉबेबिलिटी है तभी मुझे एड दिखानी है, तो यू कैन डू दिस सेटिंग एज वेल, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू to optimize your ROI and get more leads with limited budget, because you have all the data in your analytics, right? और ये चीज आप सीखोगे, ऐसे 50 रिपोर्ट है गूगल एनालिटिक्स में, वो 50 के 500 रिपोर्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अभी कितने लोग हैं वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, right? अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, you will be able to know, तुरंत ही यहाँ पर दिखेगा कि एक बंदा यहाँ पर आया है, आ गया। कहाँ से आया है? अहमदाबाद से आया है, राइट। अगर मैं यहाँ पर फोन कॉल पर क्लिक करता हूँ तो भी हमें पता लग जाएगा कि एक बंदे ने फोन कॉल पर क्लिक की है, यहाँ पर
इवेंट में आपको जाना पड़ेगा। आ गया क्लिक टू कॉल, क्लिक किया, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन एनालाइज राइट विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स, राइट। तो वो कैसे करना है वो आप सीखोगे गूगल एनालिटिक्स के लेक्चर में, राइट। गूगल एनालिटिक्स बहुत ही काम की चीज है, और मेरा तो ऐसा विजन है कि एक या डेढ़ साल के बाद ऐसा भी समय आएगा कि सिर्फ गूगल एनालिटिक्स पता हो वैसे बंदों की जरूरत है, राइट। वी ओनली वॉन्ट द पीपल हु नो हाउ टू हैंडल गूगल एनालिटिक्स टू इंक्रीज देयर बिजनेस, राइट। फॉरेन में तो ये कल्चर ऑलरेडी है कि गूगल एनालिटिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ के उसको स्ट्रेटजी बना सके कि आप, हाँ, गूगल टैग मैनेजर, कि आप कैसे उसके बिजनेस को आरओआई ज्यादा जनरेट कर सको, क्योंकि डेटा डेटा ड्रिवन है तो ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। उसके बाद है गूगल एंड बींग पेड प्रमोशन। तो आपको पेड प्रमोशन कैसे करना है, राइट। जैसे मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ गूगल एडवर्ड्स, अरे सॉरी राइट। अगर आप पूरे लाइफ टाइम का देखोगे, ऑल टाइम, राइट, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि मैंने अभी तक कितने रुपए खर्च किए, 1,30,000 रुपीज इसमें एडवर्ड में खर्च किए है। और कितनी लीड मिली है मुझे, लीड मिली है मुझे 179 लीड मिली, और कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है 704, राइट। तो ये जो डेटा है ये पूरा आप एडवर्ड्स के जरिए यहाँ पर आपकी एड दिखा सकते हो, राइट। जो भी आपको एड करनी है वो आप एड यहाँ से, कैसे आपको कैंपेन बनाना है, कौन से टाइम पर एड दिखानी है, किसको दिखानी है, किस टाइप की दिखानी है, वो सारी आपको यहाँ पर, सपोज ये मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ, ये रीमार्केटिंग वाला हमारा कैंपेन है। कई लोगों को आपको मेरी ऐड दिखती होगी, जहां जहां पर आप घूमोगे वहां वहां पर मेरी ऐड दिखेगी, राइट। इट इज अ रीमार्केटिंग। तो वो रीमार्केटिंग कैसे करना है, तो रीमार्केटिंग का हमने एक कैंपेन बनाकर रखा है कि जो लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं और लीड नहीं देते हैं, यानी हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया है, उनको मेरी ऐड जहां जहां पर घूमोगे वहां पर दिखनी चाहिए, राइट। तो वो हमने ये कैंपेन बनाया, राइट और पहला ही लाइन लिखी अर्न 15,000, तो तुरंत ही वो वहां पर उसका अटेंशन हो जाएगा, राइट। तो ये आपको आपके बिजनेस के लिए कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे रीमार्केटिंग, राइट। ये रीमार्केटिंग है, ऐसे बहुत सारे कैंपेन है, गूगल मर्चेंट है, ऐप प्रमोशन है, वीडियो प्रमोशन है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ये आउटडेटेड है फिर भी लोग करते हैं, राइट। मेलचिंप है, और क्या है, मेलचिंप है, और दूसरा एक है जिससे आप मेल सेंड कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे करना है आपको, कौन से टाइम पर करना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंटेंट में क्या लिखना है, कैसे अनसब्सक्राइब को कम करना है, कैसे ओपन रेट बढ़ाना है, वो सारी चीज़ हम आपको सिखाएंगे ईमेल मार्केटिंग, राइट। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपको लिखने का शौक है, राइट, और अगर आप ऐड के जरिए पैसा कमाना चाहते हो, राइट, जो अभी बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप में पैशन है, वीडियो में भी आप कर सकते हो ये एफिलिएट मार्केटिंग, और आप अच्छे वीडियो बना सकते हो या अच्छा लिख सकते हो, तो वहां से भी आप पैसे बना सकते हो, राइट। उसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग। सो मोबाइल में आपको ऐड कैसी, सॉरी, आपकी वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि अगर यही वेबसाइट आप मेरी मोबाइल में आईफोन में देखोगे, राइट, तो मैंने एक फूटर में इसको फ्रीज करके रखा है। आप कोई भी स्क्रीन पर चले जाओगे, यू विल सी दिस एज फ्रीज इन द फूटर, राइट। इससे क्या फायदा होता है कि किसी भी बंदे को ये पढ़ के ऐसा लगा कि मुझे कांटेक्ट करना है,
तो उसके स्क्रोल करके ऊपर या नीचे नहीं जाना पड़ेगा, यू कैन सिंपली कॉल मी फ्रॉम हियर ओनली, और इससे मेरे कॉल्स बढ़ जाते हैं, राइट, या मुझे कॉन्टेक्ट करने की प्रॉबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें ये आप सीखोगे मोबाइल मार्केटिंग में, कि मोबाइल में रिस्पॉन्सिव एड कैसे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनानी है, आई मीन एलिमेंट कैसे रखने हैं, कैसी बनानी है, वो डिज़ाइनर का काम है, वो हमारा काम नहीं है। और किस तरीके से आपको कन्वर्जन रेट बढ़ाना है मोबाइल में, वो आप सीखोगे मोबाइल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में। क्योंकि धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा 2 या 3 साल में कि 90% ऑफ द यूजर विल कम फ्रॉम मोबाइल डिवाइस ओनली, 90% 90, राइट, तो वो टाइम पर ये चीज़ बहुत काम करेगी। AMPB आ गया है, राइट, हमारी है ऑलरेडी AMP में ही है वेबसाइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहले तो वो डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके क्लाइंट के लिए आपके लिए सही है, राइट। अगर आप नॉर्मल रिटेलर सॉरी नॉर्मल कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो और लिंक्डइन पर काम कर रहे हो तो इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, राइट। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करना है कि प्लेटफॉर्म कौन सा सही है, राइट। नंबर टू कि कौन सा इमेज कौन सी सामने वाले ऑडियंस को कन्विंसिंग लगेगी, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फेसबुक एड मैनेजर, मैंने एक कैंपेन रन किया था, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है तो ठीक है, वरना सेंड राइट। तो इसमें बिजनेस मैनेजर मैंने एक कैंपेन रन किया था जिसमें
डेमो लेक्चर के लिए डिजिटल मार्केटिंग के, उसमें मैंने सिर्फ 2000 रुपीज में मोर देन 200 लीड्स को जनरेट किया, 200 से ज्यादा लीड को। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैंपेन। इसमें कितनी लीड मिली हमको, 219 लीड मिली है, और कॉस्ट पर लीड क्या है, 6.50 रुपीज, राइट। यानी हमने मुफ्त के भाव में ये जनरेट कर दी थी लीड, और इसमें से 5 कैंडिडेट कन्वर्ट हुए, राइट। इसलिए 1 लाख रुपीज का बिजनेस मैंने इससे जनरेट किया, राइट। 1 लाख रुपीज का आप बोल सकते हो 200 कितने रुपए खर्च करके, अप्रोक्सीमेटली बजट कितना कहाँ पर ये रहा, 2500, राइट। तो ये आपको किस तरीके से आपके बिजनेस के लिए करना है, राइट, कैसे ऐड बनानी है, कैसे ऑडियंस को चूज करना है, राइट, ये आप सीखोगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में। लिंक्डइन भी आ जाएगा उसमें, फेसबुक भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, ट्विटर भी आ जाएगा, पिंटरेस्ट भी आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज आप सीखोगे, यूट्यूब भी आ जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट तो आ जाते हैं लेकिन उसको आप मैनेज नहीं कर पाते। तो मैंने मेरी करियर में जो भी चीज मुझे पता लगी है कि ये करने से आपका वर्क फ्लो और अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक चीज बनाई है, मंथली स्ट्रेटजी, राइट। ये ऐसी फॉर्मेट है या ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो अगर आप इसको प्रॉपरली प्रॉपर वे से टीम को साथ में लेकर एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली आपके पास 50 प्रोजेक्ट भी हो गए तो यू विल बी एबल टू मैनेज इजीली, राइट। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उसके बाद लिख दिया है कि उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कौन से स्ट्रेटजी से आपको करना है, अगर क्लाइंट को ईमेल भेजना है तो कैसे भेजना है, उसका सारे के फॉर्मेट, सारा फॉर्मेट है मेरे पास, राइट। अगर आपको इंट्रोडक्शन ईमेल क्लाइंट को करना है तो इंट्रोडक्शन ईमेल किस तरीके से करना है, ये रहा इंट्रोडक्शन ईमेल, राइट। क्लाइंट को ये सारी चीज भेजनी है, इसको कॉपी करके क्लाइंट का नाम चेंज करके आपको आप भेज सकते हो उसको रीड करके। उसके बाद है किसको ये काम करना है, उसका स्टेटस क्या है, पहले वीक में क्या काम करना है, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, एंड सो ऑन। और ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है एवरी मंथ, राइट, क्योंकि एसईओ में नॉर्मली बिलिंग साइकिल रहती है मंथली, राइट। तो जो चीज खत्म हुई है उसको डन स्टेटस करके, जो चीज नहीं करनी है उसको पेंडिंग स्टेटस के साथ आप ऊपर ले सकते हो। द पॉइंट इज दैट कि ये पूरी चीज करने से आपको ज्यादा प्रोजेक्ट या एक कितने भी प्रोजेक्ट हो उसको मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। ये खत्म हुआ है, ये बाकी है, ये किसको करना है, ये सभी को पता होगा, क्योंकि ये स्प्रेडशीट जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे वो सबके साथ शेयर्ड होगी। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं, राइट। नॉर्मली ऐसा एक्सक्यूज रहता है लोगों का। तो वो कैसे करना है वो आप सीखोगे वर्क मैनेजमेंट में। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। अगर आप कोई भी जगह पर डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसके मैंने डेडिकेटेड ब्लॉग ही है मेरा, जिसको आप पढ़ के भी आइडियाज ले सकते हो, और वो प्रूवन है।
गोडेडी का सर्वर नहीं लेना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड। वो सस्ते में देता है लेकिन नहीं है उसका, होस्टगेटर अच्छा है, इंडिया बेस्ड बिग्रो आता है, इंडिया बेस्ड। हाँ, वो अच्छा है। तो ये है, तो इसमें आप जब अप्लाई करो उस वक्त कैसे तैयारी करनी है, जब आप कंपनी को, किसी कंपनी का कॉल आया सबसे पहले क्या करना है वो है बिफोर यू अप्लाई, यानी अप्लाई करने से पहले, अप्लाई जब आप करते हो और किसी कंपनी का कॉल आता है तब, एंड इंटरव्यू देते वक्त, राइट। तो ये पूरा मैंने ब्लॉग रखा है, तो ये इसका मैं पूरा आपको ट्रेन करूंगा कि ये कैसे आंसर देना है और कैसे आपको तैयार होना है, ताकि आप डिजिटल मार्केट कोई भी कंपनी में जाओ तो सिलेक्ट होने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, राइट। तो ये पूरी चीज़ है। क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे भेजना है, वर्क रिपोर्ट अगर आप क्लाइंट का कोई काम कर रहे हो राइट, तो क्लाइंट को मेल कैसे भेजना है, रैंकिंग अपडेट है, ये काम की अपडेट है, ये रैंकिंग अपडेट है, ये उसके परफॉर्मेंस की अपडेट है, ये उसके लीड की अपडेट है, और नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी है। तो ये कैसे भेजना है, राइट, हाउ टू क्रिएट द सेम, वो आप सीखोगे वर्क मैनेजमेंट, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम दोनों आपको सिखाएंगे, चिराग शाह, कुणाल सर, राइट, जो नॉर्मली लोगों के एफएक्यू रहते हैं वो, डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी, यस वी प्रोवाइड जॉब गारंटी, राइट, आपको हम लोग 100% आपको जॉब यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज गारंटेड, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत है और ये जानने वाले लोग बहुत ही कम है। आई एम कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, स्टिल कैन आई डू दिस कोर्स, यस ऑफ कोर्स आई एम आल्सो कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, मैंने एमएससी विद मैथ्स किया है जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट, करेक्ट, सो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। व्हाट विल बी द टाइमिंग प्लस डेज ऑफ द लेक्चर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे को हमारी लेक्चर रहती है, या तो सुबह या तो शाम को, वट एवर इज कन्वीनियंट टू मेजोरिटी ऑफ द पीपल, राइट, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर सुबह में होगी तो 9 to 10:30 को होगी, और अगर शाम को होगी तो 6 to 7:30 को होगी, राइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम पूरे दिन नॉर्मली सर्विस ही देते हैं, ट्रेनिंग इज माई पैशन, दैट इज द ओनली रीजन आई एम गिविंग द ट्रेनिंग। हाउ मच सैलरी एंड बिजनेस ग्रोथ आई कैन एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स, सो मैंने ऑलरेडी आपको ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज सैलरी अगर आप फ्रेशर हो तो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो एंड इफ यू आर ऑलरेडी चर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, यू कैन एक्सपेक्ट 20% to 30% इंक्रीमेंट इनटू योर एग्जिस्टिंग सैलरी, प्रोवाइडेड वो आपकी जॉब प्रोफाइल का पार्ट है, राइट। मेरी टाइम कितने टाइम में रिकवर होगी, मेरी फीस, राइट, आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, प्रोबेबली 4 या 5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ROI कब मिलेगा, राइट, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और आपको गारंटी रहती है कि 2 या 3 महीने में, राइट, सपोज आपने 3 महीने में ख़त्म की, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको एक जॉब मिल गई जिसमें आपकी सैलरी है 12,000 फॉर एग्जांपल, तो 2 महीने में आपको ROI मिल जाएगा, जो आपने 19,000 रुपीज़ पे किए हैं तो 24,000 रुपीज़ आपको 2 महीने में मिल जाएगा, तो ROI इज़ देयर, राइट, वो कन्फर्म आपको मिल जाएगा। ये जो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है उनकी सक्सेस स्टोरीज है, वो आपको वेबसाइट पर से भी, वेबसाइट के फुटर से मिल जाएगा, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंसी, राइट, यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज हमने लिखी है, राइट, नरोटो की भी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है, राइट, करेक्ट, तो आपको सभी की सक्सेस, जो मैंने अंकित पटेल बताया उसकी भी है, जय शुक्ला की है, तो सभी की सक्सेस स्टोरीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सो यू कैन रीड इट, यू कैन गेट द मोर नॉलेज, मोर इनसाइट, and you can contact them, right? Okay, so thank you friends, that's it for today's lecture. अभी मुझे आपका, आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है वो मैं लिख लेता हूँ, ताकि हमें अगर नई बैच फॉर्मुलेट, हम लोग दिसंबर में हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है, दिसंबर के पहले वीक में, राइट, अभी अक्टूबर चल रहा है, आफ्टर 1 month अभी ऑलरेडी एक बैच चल रही है, तो मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि आपको मुझे ये बताना है कि आपको कौन सा टाइम, आपका गोल क्या है और आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, ताकि हमें बैच फॉर्मुलेट करने में आसानी हो।
यस मेहुल, यस દસ વાગ્યા સુધીમાં થાય છે એટલે અમારું મેં તમને કીધું ને કે અમારી નોર્મલી 9 to 9:30 ની વચ્ચે હશે અને અપ્રોક્સિમેટલી 10:30 થી 11 વચ્ચે ખતમ થઈ એટલે રાઈટ સો મોર્નિંગ ઇઝ પ્રિપરેબલ એન્ડ શું છે તમારો ગોલ શું છે બંધ કરી દો વિડીયો